नवरत्न काउंटर्स और आज की नवरत्न काउंटर्स की लिस्ट लेकर हमारे साथ जिनय जुड़ चुके हैं। जिनय, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, तो पहले शुरुआत करते हैं मेटल स्टॉक से। आज मेटल स्टॉक्स फोकस में देखेंगे। चाइना ने डिसीजन लिया है कि जो उनका व्हाइट लिस्ट क्रेडिट प्रोग्राम था, जो लोन का प्रोग्राम था, उसको साल के अंत तक 4 ट्रिलियन युआन तक लेके जाएंगे, बढ़ाया जाएगा। लेकिन स्ट्रीट इससे थोड़ा नाराज नज़र आ रहा है, बिकॉज जो भी चाइना स्टिमुलस की बात हो रही थी हाल फिलहाल में, उस पर कोई भी ब्रीफिंग नहीं मिली है। तो ये मेटल स्टॉक्स जो रहेंगे फोकस में। इसके अलावा एल्यूमिनियम स्टॉक्स, इस पर भी आज नज़र रखेगा। स्टॉक्स जैसे कि नैलको, हिंडालको और वेदांता, तीनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि अल्कोआ ने अपने नंबर्स पेश किए थे। पेश करने के बाद करीब करीब 10% का में तेज़ी भी नज़र आया अल्कोआ के शेयर प्राइस में। पिछले 3 साल में सबसे ज़्यादा क्वार्टरली नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। इसके अलावा L&T टेक, ये भी रहेगा फोकस में। कंपनी ने अनुमान से कमज़ोर रेवेन्यू और मार्जिन रिपोर्ट किए हैं, और सिटी ने भी एक रिपोर्ट निकाली है जहाँ पे उन्होंने अपना सेल रेटिंग बरकरार रखा है और जो टारगेट प्राइस है वो कट कर 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 दिया है 4860 का। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये भी रहेगा फोकस में। पहले तो डैम कैपिटल का एक इनिशिएशन रिपोर्ट आया है जहाँ पे उन्होंने बाय रेटिंग दी और टारगेट प्राइस दिया है 3042 रुपीज़ का। उसके अलावा उनका मानना है कि जो एक्सपेक्टेशंस है एबिट्टा ग्रोथ को लेकर, वो करीब करीब 13% से कंपनी ग्रो करेगी अगले आने वाले 3 सालों में। इसी के साथ जो बोनस का इशू ऐलान किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, उसका रिकॉर्ड डेट भी निकल कर आया जो होगा 28th of October। इसी के साथ अगला स्टॉक पे होता चलेंगे तो ऑर्डर विन के कारण से RVNL रेल विकास निगम फोकस में रहेगा। कंपनी को करीब 270 करोड़ का ऑर्डर मिला है MMRC के द्वारा। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड भी फोकस में रहेगा। आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो है OFS इशू खुलने वाला है, और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो उनका ग्रीन शू ऑप्शन था वो उसे एक्सरसाइज करेगी, और इसी के चलते जो टोटल OFS साइज होगा वो बढ़ के हो जाएगा 5%। इसके अलावा शिपिंग स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। कल कैबिनेट ने कोस्टल शिपिंग बिलिंग को अप्रूवल मंजूरी दी थी, तो इसके चलते जी शिपिंग, SCA जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं बजाज ऑटो की, तो आज में जेफरीज से एक रिपोर्ट आ रही है जहाँ पे उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है, जो टारगेट प्राइस है उन्होंने बढ़ाकर कर दिया है 13,400 रुपये। उनका मानना है कि एक्सपोर्ट्स में हमें रिकवरी देखने मिल रही है और दूसरे ग्रोथ एवेन्यूज़ भी ऐड होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आज का आखिरी स्टॉक हम बात करेंगे SRF के ऊपर, तो UBS की एक रिपोर्ट आई है जो उन्होंने डाउनग्रेड किया है, उनका जो बाय रेटिंग था उसको डाउनग्रेड करके कर दिया सेल रेटिंग, और टारगेट प्राइस को कट करके कर दिया 2,100 रुपये। उनका मानना है कि जो भी रिकवरी होप्स चल रही थी मार्केट में वो फेड होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, ये कुछ कुछ अहम खबरें थी कि जो 9 खबरों के तौर पर आपको जिन्हें ने बता भी दिया है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपने एक सहयोगी अंकुर को भी जोड़ लेता हूं अपने साथ, ताकि आपको ये बता पाएं कि इस समय टाटा की जो